पिताजी की इच्छा थी मेरी एक संतान में राष्ट्र कार्य के लिए दे दू। पिताजी ने मुझे राष्ट्र कार्य के लिए गायत्री परिवार में मेरा विवाह यहाँ पे किया और मात्र 300 रुपए की लागत से हम लोगों का विवाह हुआ। 10 परिवार जन मेरे परिवार से, 10 परिवार वाले जिनको आप सभी शायद बंटी भैया के नाम से पहचानते होंगे, उनके परिवार से 20 लोगों को लाया। उनको भी भोजन नहीं कराया, केवल जलेबी और पोहे खिला करके हमारा विवाह संपन्न हुआ। और इसी के अंतर्गत जब आदरणीय पंडित जी ने, जब हमारी शादी की पहला ही दिन था, तो संकल्प करवाया, बेटा 5 साल तक बच्चों के लिए मत सोचना, आप गुरुदेव का मिशन का कार्य देखना, मिशन को समझना। और इस तरीके से हमने संकल्प लिया और 5 वर्षों तक हमने हमारी संतान को जन्म नहीं दिया, गुरु के कार्य को समझा, मिशन को समझा। और फिर हम लोगों ने 5 साल का अनुष्ठान पूरा करके उसकी पूर्णाहुति यहाँ प्रखर प्रज्ञा पे आकर के करी। और मेरी एक बेटी है वेदिका, उसको हमने जन्म दिया और उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया। जो गर्भम महोत्सव कार्यक्रम हमारा यहाँ से चल रहा है, उसी की पूरी चीज़ों को हमने फॉलो किया। और मेरी बेटी जब 2 साल 2.5 साल की हुई और वो जब बोलना सीखी, तो उसने सबसे पहले शिव तांडव स्तोत्र जो होता है, गायत्री शिव तांडव से कठिन, वो बोलना सीखा। आज गीता और लगभग 300 संस्कृत के मंत्र मेरी बेटी को कंठस्थ याद है और यज्ञ पूरा करवाती है। तो ये सिर्फ कहने का भाव ये था कि हम अपने घर से शुरुआत करें, अपने आप से शुरुआत करें, तो हम बदलेंगे, युग बदलेगा, गुरुदेव का ये नारा जरूर सफल होगा। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएं सफलता की कहानी।